हेलो रोन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको ब्यूटीफुल सी स्लीव बनाकर दिखाऊंगी, फ्रिल वाली। तो आइए मैं इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मेरी कुर्ती का बचा हुआ फैब्रिक था, तो उससे मैं आज आपको इसी से स्लीव बना के दिखाऊंगी। ये मेरा खादी का फैब्रिक है। तो देखिए, इस तरीके से मेरे पास ये कुर्ती का बचा हुआ पीस था जिससे मुझे स्लीव बनानी है। तो उसको मैंने देखिए फोर फोल्ड में बिछा रखा है। फोर फोल्ड बिछाने के बाद सबसे पहले हमें इसकी लेंथ देखनी है। तो स्लीव की लेंथ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो जो मैं इसकी स्लीव की जो लेंथ रखूँगी, मुझे 12 इंच तैयार चाहिए। तो यहाँ से मैं चेक करूँगी तो ये 10 इंच हमारी हो रही है। और इसके अंदर जो मुझे फ्रिल लगानी है वो 3 इंच की हमने इसमें फ्रिल अटैच करनी है। तो इस तरीके से ये 13 इंच हो जाएगा, इसमें हमें सिलाई में चला जाएगा मार्जिन। तो इस तरीके से 12 इंच की हमारी जो है स्लीव बन के रेडी हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ से 3 इंच लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे जो डाउन करेंगे 1.5 इंच, आप चाहें तो 2 से 2.5 इंच भी रख सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, हम आर्म होल देख लेंगे। तो मैंने 7 इंच रखा था, तो इस पर भी मैं 7 इंच लूँगी। 2 इंच हमारे इसमें मार्जिन हो जाएगा। यहाँ से भी 1.5 इंच पे रख के मैंने निशान लगा लिया है। यहाँ से देखिए 2 इंच का हमारा इसमें मार्जिन है। अब हमें इसका बॉटम देखना है, तो बॉटम का हाफ लेना है। आपकी जितनी भी बॉटम हो, स्लीव बॉटम, उसका हाफ कर लीजिए और 2 इंच इसमें मार्जिन रख लीजिए। इसके बाद हमें लाइन मिला देनी है। देखिए इस तरीके से ये हमने लाइन मिला दी। दूसरे साइड पे भी सेम ऐसे ही हमें लाइन मिला देना है। इसके बाद देखिए, हम यहाँ पे थोड़ा सा शेप देंगे। तो इस तरीके से मैं फ्री हैंड शेप दे रही हूँ। आप चाहें तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी शेप दे सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से इसमें मैंने शेप दे दिया है ऊपर साइड पर भी, और इसकी जो अंदर की गहराई का शेप होता है वो भी हमने इसमें शेप दे दिया है। इसके बाद हमें इसकी कटिंग करनी है। तो जैसे हमने निशान लगाया है वैसे ही रख के हम इसे कट कर लेंगे। ये फैब्रिक थोड़ा सा मोटा हो जा रहा है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए साइड से मैंने इसको यहाँ से हम कट कर लेंगे पूरा। हम जितना हमने निशान लगाया है, जितने भी आउटर मार्क हैं, पहले हमें उसकी कटिंग करनी है। जो अंदर की गोलाई का शेप है उसे हम बाद में कट करेंगे। देखिए साइड से मैंने इसे कट कर लिया। कट करने के बाद इसे हम दोनों स्लीव को इस तरीके से ओपन कर लेंगे। देखिए मैंने इसे ओपन कर लिया। इसके बाद जो अंदर की गहराई का शेप है उसे भी हमें कट कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे कट कर लिया। इसका मिड है, तो देखिए मैंने इस तरीके से ये हमारी दोनों जो स्लीव है उस तरीके से मैंने कटिंग कर ली है दोनों स्लीव की। अगर आप सिंपल से स्लीव बनाते हो तो इसको भी आप इसी तरीके से कट करेंगे तो आपकी कटिंग बहुत अच्छी आएगी। इसके बाद जो हमारी ये रफ जो हमारी फ्रिल है उसे हमें अभी रेडी करना है। तो देखिए मैंने फैब्रिक को जोड़ के बनाया है ये, क्योंकि मेरा फैब्रिक कम पड़ रहा था। तो इसके लिए देखिए, आपको आपके पास अगर फैब्रिक बड़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास कम हो तो आप इस तरीके से जोड़ के बना सकते हो एक बड़ी सी फ्रिल। तो अगर आप इस तरीके से देखिए, इसमें छोटे छोटे प्लीट्स हम इसमें डालते जाएंगे हाथ से ही। अगर आप हाथ से डाल सकते हो तो इस तरीके से बना सकते हो, छोटे छोटे प्लीट्स बनानी है। आप इस तरीके से बनाओगे तो ये आसानी से बन जाएगी। मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगी, अगर आपको इस तरीके से हाथ से बनाने में प्रॉब्लम हो तो आप इस तरीके से पहले बना लीजिए। इसके बाद आपके पास कोई बेबी पिन वगैरह होता है उससे आप आराम से इस तरीके से फैब्रिक को इस तरीके से फंसाइए, फिर अंदर साइड को टर्न करेंगे तो इस तरीके से बिल्कुल बराबर सी इसमें जो है प्लीट्स बन जाएंगी। देख सकते हो आप कितनी आसानी से इसमें प्लीट्स बन रही हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है और ये बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है। आप चाहें तो जो फोक होता है, फोक से भी आप इस तरीके से बना सकते हो। 2-3 मेथड है आप फ्रिल बनाने के, आप इस तरीके से आसानी से प्लीट्स इसमें बना सकते हो। अगर आप इस तरीके से भी नहीं बनाना चाहते हो तो आप सिंपल एक कच्चा धागा इसमें सिलाई मार दीजिए, फिर उसके बाद थ्रेड खींचेंगे तो इसमें ऑटोमेटिक जो है फ्रिल बन जाएगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये फ्रिल को रेडी कर लिया है पूरा। हम रेडी कर लेंगे इसको। देखिए यहाँ पे हो गया मेरा, ये देखिए इस तरीके से मैंने ये फ्रिल बना के रेडी कर ली है। आप देख सकते हो ये मेरा पूरा जॉइंट है, मैं दोनों स्लीव में अलग अलग करके लगाऊंगी। अब हमें इसे लगाना कैसे है, तो जो स्लीव का साइड रहेगा वो सीधा साइड रखना है हमने, और जो रफल रहेगी वो हमें इस तरीके से रखनी है। मतलब जो सीधा साइड है वो नीचे साइड रहेगा और जो इसका उल्टा साइड रहेगा वो ऊपर साइड पर रहेगा। देखिए इसकी डायरेक्शन आप देख सकते हो, ये स्लीव के साइड पर रखा हुआ है, फिर हम इसे सीधे साइड पर टर्न कर लेंगे। तो इसको हम बराबर से रखेंगे, फिर दोनों स्लीव पे बिल्कुल बराबर से रखना है। उसके बाद हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। तो पहले मैं आपको एक स्लीव पे रख के सिलाई लगा के दिखाऊंगी। इसको मैं कट नहीं करूंगी, जो हमारी फ्रिल है उसको हम बाद में कट कर लेंगे।
तो देखिए हाफ इंच का मार्जिन देते हुए इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। ये आप देख सकते हो इस तरीके से हम पूरे स्लीव पे इसी तरीके से सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। देखिए अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। दूसरी स्लीव भी मैं सेम वहीं से ही स्टार्ट कर दे रही हूँ, बाद में मैं फ्रिल को जो है कट करके अलग करूँगी, तो मैं साथ के साथ दूसरी वाली भी स्लीव को रेडी कर लूँगी इस तरीके से। देखिए इसको बिल्कुल बराबर से रखते जाना है और हाफ फुट का गैप देते हुए इसके ऊपर हमें नॉर्मल सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरीके से हमने ये पूरे पे स्लीव को, जो हमारी रफल है, फ्रिल भी बोलते हैं उसको, इसे हमने अटैच कर लिया। इसके बाद जो एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह है इसे हम कट कर देंगे। अब देखिए हमें यहाँ से इसे अलग कर लेना है दोनों स्लीव को, तो इस तरीके से मैंने उल्टी साइड पर बिछा दिया इस फैब्रिक को और यहाँ से हमें कट कर लेना है। जो एक्स्ट्रा फ्रिल बचेगी उसे भी हम बाद में कट करके अलग कर देंगे। देखिए इस तरीके से हो गया। अब हमें इसे सीधी साइड पे मोड़ लेंगे और इसके ऊपर हमें नॉर्मल सिलाई लगा देनी है। आप चाहे तो टॉप सीम लगा लीजिए या फिर इसके ऊपर आप डिज़ाइन भी बना सकते हैं या फिर आप लेस भी लगा सकते हैं अगर आपको इसमें लेस लगानी हो तो। मैं इसमें नॉर्मल सिलाई लगा रही हूँ, तो मैंने सिलेक्टर को ई पे रखा है और लेंथ को मैंने 1 और 2 के बीच में रखा हुआ है। तो देखिए इस तरीके से मेरी ब्यूटीफुल सी ये जो हमारी डिज़ाइन बन के आएगी उससे हमारी जो स्लीव का लुक है वो बहुत अच्छा आएगा। देखिए इधर साइड में लगा दी। देखिए आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल तरीके से इसमें हमारी जो रफल है वो बनके अटैच हो चुकी है। इसको हम बीच में से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हमें इसका, देखिए मैंने निशान इसमें ऑलरेडी लगा रखा था, फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। जो स्लीव का बॉटम रखना है आपको, आपके जितनी भी स्लीव का बॉटम है वो रखिए। यहाँ से आर्म होल मैंने 7 इंच रखा था, तो इस तरीके से हो गया। अब हम इसे निशान मिला देंगे और इसको, इसके बाद हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। जो हमारी रफल है, जिधर हमारे फ्रिल है उधर साइड पे हम थोड़ा सा आगे करके लगाएंगे। देखिए इस तरीके से थोड़ा सा तिरछा कर देंगे 1/2 इंच के लगभग, और इसके बाद हमें नॉर्मल इस पर सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरीके से रखा, जहाँ से हमने निशान लगाया था उसके ऊपर ही हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए यहाँ पर रखा, यहाँ पर हम थोड़ा सा फिक्स कर लेंगे इसको। यहाँ पर 1 से 2 बार आप यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ नीचे तक सिलाई लगा देंगे। सेम ऐसे ही जो हमारी दूसरी वाली स्लीव है उसको भी हम इसी तरीके से सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। तो मैं आपको ये पूरा रेडी करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने इसमें सिलाई लगा दी, इसे मैंने सीधा भी कर दिया है। सीधा होने के बाद आप देख सकते हो इस तरीके से हमारी जो स्लीव है बिल्कुल बराबर से, आप देख सकते हो जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल इक्वल है। इसके बाद हमें ये अपनी कुर्ती जो मैंने बना रखी थी उसके साथ रख के मैं इसे आपको अटैच करके दिखाऊँगी। इसे मैं राउंड में लगाऊँगी। तो देखिए मैंने कॉलर वाली कुर्ती बना के रेडी करी थी, आप देख सकते हो। इसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके इसे देख सकते हो। ये बहुत ही आसानी से बनाया था मैंने, अब भी बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ये ब्यूटीफुल सी कॉलर वाली कुर्ती बना के रेडी कर सकते हो। स्लीव को अटैच करने के लिए सबसे पहले आप कुर्ती को उल्टी साइड पर मोड़ लीजिए। देखिए इस तरीके से मैंने इसे उल्टी साइड पर मोड़ लिया है। अब हमारी जो स्लीव रहेगी वो सीधे साइड पर रहेगी और हमारी कुर्ती जो है उल्टे साइड पर रहेगी। तो देखिए इस तरीके से ये हमारे पीछे साइड पे लगेगा। तो ये हमारे स्लीव के जो है गहराई दी थी मैंने वो आगे साइड को लगेगी इस तरीके से। देखिए हमने रखना है और जो सिलाई है स्लीव की और हमारी कुर्ती की बिल्कुल बराबर से मिला के रखनी है इस तरीके से। और जो कुर्ती की सिलाई वाला पोर्शन है, जो फैब्रिक था एक्स्ट्रा, उसे हमें राइट हमारे बैक साइड पर मोड़ना है और जो स्लीव में है वो राइट साइड पर मोड़ना है इस तरीके से। अंदर साइड को हम फोल्ड कर लेंगे और इसके बाद इसे हमें गुलाई में स्लीव को अटैच कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से आप चाहे तो पिनअप कर लीजिए या फिर आप कच्चा भी इसे कर सकते हो। अगर आप बिगनर हैं तो प्लीज़ इसे कच्चा कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इस पर सिलाई लगा सकते हैं। तो पहले मैं इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेती हूँ। देखिए इस तरीके से हमें रख लेना है। इसके बाद हमें जो हमारा शटल बॉक्स है उसे हम निकाल देंगे और इसके आर्म होल को हम इसी में रख के इसे स्टिच करेंगे। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से स्टिच होगी। देखिए हम इसको पहले अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। मैं इसे सीधे ही मशीन से ही लगा रही हूँ। अगर आप बिगनर तो प्लीज़ पहले इसे कच्चा कर लीजिए या फिर आप इसे पिनअप कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इस पर सिलाई लगा सकते हैं। देखिए इसको मैंने पूरे गुलाई में रखते हुए इसमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरीके से मैंने ये पूरे पर सिलाई लगा दी। इसे पूरे पर सिलाई लगाने के बाद एक और बार हम इस पर सिलाई लगा देंगे। 2 बार सिलाई लगाने से ये फिक्स हो जाएगा और साइड में इसके मैं इंटरलॉक कर दूँगी।
तो मैं आपको ये पूरा रेडी करके ही दिखाती हूँ। दोनों स्लीव हमें इसी तरीके से अटैच कर लेना है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से अटैच हो जाती है, आप देख सकते हो। इसे मैंने सिलाई लगा दी है और इसके साइड में है जो हमें इधर साइड पे इंटरलॉक कर लेना है। तो बिल्कुल किनारे पे लेके जाएंगे और हमें इसमें इंटरलॉक लगा देनी है। तो देखिए यहाँ से रखते हुए बिल्कुल देख रहे हो आप कितने किनारे से हमने इसमें रखते हुए इंटरलॉक लगा रहे हैं। देखिए मैंने दोनों स्लीव को अटैच कर लिया है। अटैच होने के बाद मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ। तो हमने कुर्ती को पहले सीधा करना है, तो मैं आपको इसे सीधा करके दिखा देती हूँ। आप इस तरीके से कुर्ती भी अपनी ब्लाउज़ में भी बना सकते हैं, स्लीव को कुर्ती में भी बना सकते हैं, फ्रॉक में भी बना सकते हैं, शर्ट वगैरह में भी बना सकते हैं। आप देख सकते हो सिलाई से सिलाई मिल रही है। दोनों स्लीव को मैंने जोड़ लिया है। देखिए दोनों साइड की जो हमारी स्लीव है इस तरीके से जॉइंट हुई है, आप देख सकते हो। अब इसकी फ्रिल देखिए कितनी ब्यूटीफुल तरीके से इसकी जो हमारी स्लीव में जो फ्रिल लगी है वो लग चुकी है। दोनों फ्रिल हमने इसी तरीके से रख के अटैच कर लेना है। आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल तरीके से फ्रिल बन के आई है। तो हो भी लाइक इट, अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।